हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो जो नंबर है, वीडियो नंबर सेकंड है। एक वीडियो इसकी पढ़ चुकी थी और उस फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये वीडियो नंबर सेकंड है। तो इसमें करना क्या है, इसमें आंसर जो है आपको करना है। आंसर किसको करना है, आपका 100 क्वेश्चन था तो आंसर आप लोग इसको ढूंढिए, कहीं पर गूगल करिए। आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको गूगल करने हैं, बट आंसर किसको देना है, आप सभी स्टूडेंट को देना है। तो चलिए, वीडियो नंबर सेकंड है, आंसर आप देंगे। और ये मत कमेंट में लिखिए कि आंसर आप दीजिए, आंसर हम देंगे जब मुझे समय मिलेगा तो आंसर बताएंगे। आंसर मुझे भी सर्च ही करना है, ऐसा है नहीं कि आंसर मेरे पास था और मैंने दिया नहीं, आंसर इसका है ही नहीं, सर्च करना पड़ेगा। तो मेहनत आप करिए क्योंकि एंट्रेंस आपको देना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, 51-50 तक हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में। और अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगी, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच इज द एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन यूरोकार्डेटा। अब ये क्वेश्चन क्या है, यूरोकार्डेटा में कौन अतिरिक्त श्वसन अंग है। तो यूरोकार्डेटा में आपको क्या देखना है, रिस्पायरेटरी एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी मीन्स रिस्पायरेशन में जो हेल्प करते हैं। तो लीवर, टेस्टिस, फारिंक्स, स्टोमच कौन सा है, इसमें आपको सही करना है। तो इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, लगाइएगा। स्टमक भी दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, अपर कुलम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अपर कुलम किस का है, ये मेन करेक्टर होता है। गिल डाफन के विषय लक्षण होते हैं, तो अपर कुलम देखिएगा, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रोइकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ये तो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो अच्छे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज इन ब्लेनोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस में कौन सा क्लीवेज पाया जाता है, स्पायरल, रेडियल, सुपरफेशियल या फिर नन। तो ये भी क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्पीटोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्पीटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हर्पीटोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, रेप्टाइल, एम्फीबियंस या एम्फीबियंस रेप्टाइल, बोथ दोनों या बर्ड। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू फिश। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी ट्रू फिश, एक ट्रू फिश होती है मछली और एक फॉल्स फिश होती है। तो ट्रू फिश और फॉल्स फिश मछली का एक मैंने वीडियो अभी बना दूंगा कुछ दिन बाद। तो इसमें आपको ट्रू फिश देखना है, तो ट्रू फिश कौन सा है चारों ऑप्शन में, ये आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीबी पैरस स्नैक। अब इसमें कौन सा स्नैक हम लोग को सांप बताना है, जो क्या बीबी पैरस मीन्स बच्चा देते हैं, अंडा देने वाला नहीं, बच्चा देने वाला। तो चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, बंगायरस, नाजा, नाइट्रिक्स और वाइपरा रसलाई। तो ये देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एबीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेप्टाइल एंड एबीज, मतलब एबीज मीन्स पक्षी के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन रखता है, आर्कियोप्टेरिक्स या पेरीपेटस या न्योप्लीना या सिलोकैंथ। तो ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द फंक्शन ऑफ टीथ इज सब्स्टिट्यूटेड इन द बर्ड बाई। क्वेश्चन कह रहा है बर्ड में, चिड़ियों में जो टीथ का फंक्शन होता है ना अदर में, तो चिड़ियों में टीथ का फंक्शन कौन करता है, मतलब दांत का फंक्शन चिड़ियों में कौन करता है, बीक करता है, चोंच जो होती है, या फिर प्रोवेंटिकुलस या क्रॉप या गीजार्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा सही होना चाहिए क्वेश्चन। वैम्पायर बैट इज, अब ये क्वेश्चन कह रहा है वैम्पायर चमगादड़ हैं, क्या हैं, सेंगीबोरस होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं सेंगीबोरस होते हैं या इंसेक्टीबोरस या फुर्गीबोरस या फुलीबोरस। तो कौन सा होता है, ये देखिएगा वैम्पायर, वैम्पायर चमगादड़ जो होते हैं, बैट चमगादड़ जो होते हैं जो बल कुछ चट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील आर्गन ऑफ एम्फियोक्सस इज पार्ट ऑफ। जो एम्फियोक्सस में व्हील आर्गन होते हैं, चक्राधार ये ऐसा होता है। तो ये कह रहा है कि चक्राधार जो गोला ये होता है, ये क्या होता है, माउथ होता है, ओरल वुड होता है, बीलम होता है या इंटेस्टाइन। बीलम क्या होता है, बीलम एक लोकोमोटरी आर्गन होता है जो उसके मुख पे ऐसे टिंडी की तरह निकलता है, इसी से तो लोकोमोट ये करता है, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह चलता है। तो
इसमें कह रहा है कि व्हील आर्गन कौन से होते हैं एम्फियोक्सस में, ये भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डेवलपमेंट इज शोन बाय, डायरेक्ट मीन्स मतलब उसमें लार्वा नहीं होगा, किसमें देखिए, किसमें, रोकोफोरस में या फिर हाइलोडेस में या फिर राना में या फिर एलाइटस में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होता है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेनोग्लोसस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लेनोग्लोसस क्या होते हैं, सरफेस फीडर होते हैं, सिलेरी फीडर होते हैं, कॉलम फीडर होते हैं या फिर बॉटम फीडर होते हैं, ये अपना लगाइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। व्हिच वन ऑफ दीज स्नेक इज नॉन पॉइजनस, अब इसमें कह रहा है कौन सा जहरीला नहीं है, निम्न में से कौन विषहीन सर्प है, मतलब जहरीला सांप कौन नहीं है, पाइथन, क्रैत, कोबरा, वाइपर, तो ये देखिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट नर्सिंग या फिर पैरा या फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में देना है, अभी फॉर्म जैसे आएंगे फिलअप करेंगे तो देना, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट वाइज आप वीडियो को पूरा देखा करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट हो एक प्लेलिस्ट का नाम लिख लीजिए, उसमें जितनी वीडियो है उसको फिनिश करिए, फिर नेक्स्ट प्लेलिस्ट मतलब उसी प्लेलिस्ट में दूसरा नाम जाइए, उसमें जितनी वीडियो है फिनिश करिए, ऐसे ऐसे पूरा वीडियो रिवाइज डेली करते रहिए, और डेली 8 से 10 घंटे अपना रूटीन बना लीजिए, उसी रूटीन पर सेट करके पढ़ाई करिए, नहीं तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट लगभग आ जाएगा, फॉर्म अप्लीकेशन आ जाएगा ना, तब क्या बोलेंगे सब लोग कि अब बहुत घबराहट हो रही है, अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो ये सब अभी से ऐसा कुछ ना हो पाए, इसीलिए आप 8 से 10 घंटे जब पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा लास्ट में, वरना फिर कॉन्फिडेंस लूज होगा, पेपर गड़बड़ होगा। ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, मेमोरी ग्लैंड जो होती है, स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं, किसकी रूपांतरित होती हैं, किससे मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड बनती हैं, स्वाइट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, टीएस ग्लैंड में, ये देख लीजिए क्या दिया है, मीबोमियन ग्लैंड दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढूंढिएगा ज़रूर। ये देखिए, नियोटिनी रिफर्स टू, चिर भूरूरता संदर्भित करता है, तो नियोटिनी क्या होता है, रिटेंशन ऑफ रूडिमेंट्री आर्गन, या फिर मेटामॉर्फोसिस को नियोटिनी कहते हैं, या रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट, जब लार्वा से मतलब एडल्ट में चेंज होता है उसको कहते हैं नियोटिनी, या फिर रिप्रोडक्शन इन लार्वल फॉर्म, जैसे नियोटिनी आप गूगल पे डालेंगे तुरंत मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एग लेइंग मैमल इज, ये जो एग लेइंग मैमल्स आर इंक्लूडेड इन सब क्लास, सब क्लास अंडे देने वाले स्तनधारी उपवर्ग में समाहित है, तो इसमें कौन अंडे देते हैं, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया या ऑल ऑफ दी एबव, या इनमें से सभी, कौन से इसमें अंडा देने वाले मैमल्स होते हैं, तो ये सब क्लास में मैमल्स को डिवाइड किया गया है, अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा है कि जो सिर्फ अंडा ही देते हैं, तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन इसको सॉल्व जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेज एग्स एट द फीमेल सेक्रेट मिल्क, निम्न में से कौन अंडे देता है लेकिन मादा दुग्ध स्रावित करती है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग भी देता है येट फिर भी द फीमेल सेक्रेट मिल्क, अब इसमें कौन है, ऑस्ट्रिच है, कंगारू या प्लेटीपियस या बैट चमगादड़ है, अब इसमें लगाइएगा कि अंडे भी देता है और वो दूध भी देता है, मिल्क भी देता है, तो ये देखिएगा। रेप्टाइल्स विथ 4 chamber हार्ट इज, अब क्वेश्चन कह रहा है 4 कोष्ठ के हृदय पाए जाने वाला सरीसृप कौन सा है, इसमें ये देखना है कौन सा रेप्टाइल 4 chamber हार्ट है, तो क्रोकोडाइल होता है, पाइथन होता है, कैमलियन या टर्टल, तो ऑप्शन लगाइएगा कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दी ओसाइट ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा आर सेड टू बी, ब्रेंकियोस्टोमा में अंडक कहे जाते हैं, जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है ना उसमें जो ओसाइट होते हैं उसको क्या कहेंगे, ओलिगोलिसाइथल, क्लीडोइक या फिर मेगालिसाइथल या फिर हाइपोलिसाइथल, तो ये देखिएगा, ये हिंदी में दिए गए हैं इधर क्वेश्चन, हिंदी में भी देख सकते हैं आप, लगाइएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, पीडोजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन, पीडोजेनेसिस क्या होती है, पीडोजेनेसिस जैसे सर्च करेंगे आपको तुरंत मिलेगा, एक्सोलोटल लार्वा क्या करते हैं, पीडोजेनेसिस करते हैं, या फिर मेगालोपा लार्वा या कैटरपिलर या फिर टर्नेरिया,
अब ये देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड एंड बैट्स आर गुड फिल्टर बट द बैट जो होती है चमगादड़ होती है डिफर करती है फ्रॉम बर्ड से इन हाइविंग, पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छे उड़ाकू हैं मतलब अच्छे से उड़ते हैं किंतु चमगादड़ पक्षियों से भिन्न होती है क्योंकि डायफ्राम की वजह से, फोर चैम्बर हार्ट या विंग्स की या स्मॉल ब्रेन, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच एनिमल बोथ स्वेट एंड सेबेशियल ग्लैंड आर एब्सेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है वह एनिमल बताना है जिसमें स्वेट एंड सेबेशियल ग्लैंड जो होती हैं दोनों एब्सेंट होती हैं, निम्न में से किस जंतु में पसीने या सेबेशियस ग्रंथियां दोनों नहीं होती, डॉग में, कुत्ता में, हॉर्स घोड़ा में, कैमल ऊँट में या एलिफेंट हाथी में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। बीलम इज फाउंड इन, अब ये देखिए बीलम आ गया, जैसे मान लीजिए माउथ है ना इसके जस्ट फ्रंट पे ही होती है ऐसे करके इसी से मूवमेंट होता है, तो बीलम किस में पाया जाएगा, बीलम एम्फियोक्सस में, ब्लेनोग्लोसस या हार्डमेनिया या फिर सल्पा में, तो ये भी देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सपाट और पार्श्वीय संपीड़ित पूछ निम्न का विशेष गुण है, किसमें फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल पाई जाती हैं, लैंड स्नेक में, सी स्नेक में या नॉन पॉइजनस स्नेक में या बोथ लैंड एंड सी स्नेक में, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्टल बिलोंग टू ऑर्डर कछुआ किस गण में सम्मिलित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्विमेटा या फिर क्लियोना या फिर रिकीसिफाइलिया में या क्रोकोडेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जा वर्टिब्रेट बिलोंग टू, सबसे पहला फर्स्ट जा प्रथम जबड़े वाले वर्टिब्रेट सम्मिलित है किसमें, साइक्लोस्टोमा में, प्लेकोडर्मी या ऑस्ट्रोकोडर्मी या कॉन्ड्रिक्टिज, कार्टिलेजनस की बात कर रहा है, कॉन्ड्रिक्टिज मीन्स कार्टिलेजनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्टेरिक्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये एप्टेरिक्स जो है किसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम किसका है, कीबी का, पिकॉक मीन्स मोर, पैरट मीन्स तोता, पिजन मीन्स कबूतर, तो किसका एप्टेरिक्स कहते हैं ये देखिएगा एप्टेरिक्स। नेक्स्ट, वैनेडियम इज सपोज टू बी द रिस्पायरेटिक पिगमेंट इन, वैनेडियम श्वसन वर्णक के रूप में पाया जाता है, तो वैनेडियम किस में, इकाइनोडर्म्स, ब्लेनोग्लोसस, हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्बोली अकर्स इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, इम्बोली किसको कहते हैं, जब सेल का ना मान लीजिए सेल है, अब सेल का इनवर्ड मूवमेंट होता है, जब इनवर्ड मूवमेंट, सेल के इनवर्ड मूवमेंट को क्या कहते हैं, इम्बोली कहते हैं, तो इम्बोली किसमें देखने को मिलता है, क्लीवेज में, ब्लास्टुलेशन में, गैस्टुलेशन में या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस में, तो ये क्वेश्चन देखिएगा किसमें आपको देखने को मिलेगा कि इम्बोलिज्म कब दिखता है, इसी दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, आप सर्च करेंगे तुरंत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कार्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है, निम्न में से कौन एक रज्जुकी है लेकिन कशेरुकी नहीं है, ये देख लीजिए, कतला एक फिश होती है, हिप्पोकैम्पस भी फिश, हेमिडेक्टाइलस या एम्फियोक्सस, लगाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिडवाइफ टोड इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडवाइफ टोड है एलाइटस कहते हैं पीपा को या बीफो को या फिर डिस्कोग्लोसस को, किसको कहते हैं, मिडवाइफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन बर्ड एंड रेप्टाइल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्ड एंड रेप्टाइल्स में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है या फिर यूरिक एसिड होता है या अमोनिया या फिर ग्वानिन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सर्च करिएगा। डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिफेंट का दंत सूत्र कौन सा है, दंत सूत्र मतलब डेंटल फार्मूला 10031003, ये 1 क्या है, ये इंसीजर है, 0 वाला क्या है, आई ऐसे लिख लीजिए ICPM, ये वाली इंसीजर, ये बीच वाली प्रीमोलर, ये ICA, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर, ये मोलर, ऐसे होता है, तो इसमें फार्मूला बताना है कौन सा हाथी का फार्मूला कौन सा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन मैरो इज नॉट फाउंड, बोन मैरो किस में नहीं पाया जाता, फिश मछली में, बर्ड चिड़िया में, एम्फीबियंस फ्रॉग में या रेप्टाइल्स किस में, जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें बोन मैरो किस में नहीं पाया जाता, ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड विदाउट, ये देख लीजिए कह रहा है मेमोरी ग्लैंड विदाउट क्या कह रहा है, बिना चूचक के अस्तन मतलब टेस्ट की बात कर रहा है, आर फाउंड इन मेमोरी ग्लैंड, तो इसमें मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, थीरिया, यूथीरिया किस में एब्सेंट होता है, बिना चूचक के अस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं,
बिना चूचक के, मतलब बिना मेमोरी ग्लैंड के जो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पैरेंटल केयर ऑफ मेल इज़ फाउंड इन, पैरेंटल केयर जो होती है बाई मेल्स, किस में मेल पैरेंटल केयर करता है, मतलब मदर्स तो ऐसे करती हैं, लेकिन इसमें किस में पैरेंटल केयर बाई मेल्स, जो पैरेंटल केयर होता है मेल्स के थ्रू किस में होता है, हिप्पोकैम्पस फिश में या लेवियो फिश में या फिर एनाबस फिश में या फिर स्कोलियोडॉन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा जरूर। लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक इज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सबसे बड़ा विषैला सांप सर्प कौन सा है, क्रैब, किंग कोबरा, कोबरा, पाइथन। वैसे तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बॉडी ऑफ स्कोलियोडॉन इज कवर्ड विथ हुइच स्केल्स, स्कोलियोडॉन का शरीर किस शल्क से ढका होता है। अब ये देखना है कि स्कोलियोडॉन की जो बॉडी होती है ये टीनवाइड की, प्लेक्वाइड, फिर साइक्लॉइड या फिर गैनवाइड, किस से ढकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टीब्रेट हार्ट इज, वर्टीब्रेटा में कौन सा हार्ट होता है, हार्ट कहाँ पे होता है, डार्सल होता है, डार्सल मीन्स अपर होता है, वेंट्रल मीन्स लोअर, या फिर डार्सल स्केल्टन होती है, वेंट्रल स्केल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट फ्लाइट अडाप्टेशन, निम्न में से कौन उड़ान अनुकूलता नहीं शो करता, न्यूमैटिक बोन्स या थिक एंड मस्कुलर गिजार्ड या स्ट्रीम लाइन बॉडी या एयर सैक। अब इसमें से फ्लाइट अडाप्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन मैमल्स हिंड लिम्स आर एब्सेंट इन, ऐसे मैमल्स को बताना है जिनमें हिंड लिम्स और फोर लिम्स होती हैं, तो हिंड लिम किस में एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, पश्चपाद, किस में, मार्सुपियल्स में या फिर काइरोप्टेरेंस में या फिर आपका सिटेसिया में या फिर रोडेंटस में, किस में एब्सेंट है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट लेस बर्ड आर इंक्लूडेड इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ान विहीन पक्षी सम्मिलित होते हैं, जो फ्लाइट लेस बर्ड आती हैं किस में आती हैं, इसमें ओडोंटोगेंथी में आती हैं या फिर इम्पिनी में आती हैं या फिर रेटिटी में आती हैं या फिर कैरिनेटी में आती हैं, किस में आती हैं फ्लाइट लेस जो पक्षी उड़ नहीं पाती वो किस में आती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फियाक्सस एज, एम्फियाक्सस में जो मायोटोम्स होती है कि अनुमानित संख्या कितनी होती है, जो मायोटोम्स की संख्या बताना है, किस में, एम्फियाक्सस में 40 होती हैं, 50 होती हैं, 60 होती हैं, 70 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एम्फियाक्सस बिलोंग टू, एम्फियाक्सस किस में होता है, सिफाइलोकार्डेटा में, ये सिफाइलोकार्डेटा का मेंबर है एम्फियाक्सस, या फिर यूरोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा या हीमिकार्डेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, व्हिच करेक्टर ऑफ एम्फियाक्सस इज ट्रू, एम्फियाक्सस जो होता है उसका ट्रू करेक्टर बताना है, निम्न में से कौन सा लक्षण एम्फियाक्सस में सत्य है, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड या फिर सेडेंटरी लाइफ या क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल या प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस। तो ये देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फ्रेश वाटर स्नैक आर जनरली, स्वच्छ जलीय सर्प सामान्यतः कैसे होते हैं, जो फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में जो सांप होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, या दो, मतलब दोनों होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, नॉन पॉइजनस या हाईली पॉइजनस, ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेंकियो स्टोमा इज आल्सो नोन एज, ब्रेंकियो स्टोमा को क्या कहते हैं, सी स्क्वेरी, लैंसलेट को क्या कहते हैं, ब्रेंकियो स्टोमा तो शायद कहते ही हैं, देखिएगा। नेक्स्ट, सी टंगवार्म या डी सी स्नैक कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रेंकियो स्टोमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्ब लेंस एम्फीबिया बिलोंग टू आर्डर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिम्ब लेंस एम्फीबिया पद विहीन उभयचर किस गण में आते हैं, तो लिम्ब लेंस जो एम्फीबियंस होते हैं किस आर्डर में आते हैं, ये देखिएगा, जिम्नोफियोना में या फिर यूरोडेला में या फिर एन्यूरा में या फिर कार्डेटा में, लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमनियोटा में कौन कौन से इसमें आते हैं, एमनियोटा मीन्स जिसमें हम लोग आते हैं, रेप्टाइल बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, ये देखिएगा, बर्ड्स एंड मैमल्स कौन से आते हैं एमनियोटा में।
एक एमनियोटा होता है, एक एनएमनियोटा होता है। तो ये तो एमनियोटा दिया गया है ना, ना कि एनएमनियोटा है। एनएमनियोटा में हम लोग आते हैं, एनएमनियोटा में ये वाला होता है, लेकिन ये तो एमनियोटा पूछ रहा है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स ये ऑप्शन लगाएंगे, बट आप लोग ज़रूर ढूंढिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग फॉक्स इज, फ्लाइंग फॉक्स कौन से होती हैं, जो फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली, फ्लाइंग फॉक्स कौन सी हैं, बैट है, ईगल है, बल्चर है, फॉक्स है, तो कौन है इसमें, चमगादड़ उड़ती है, फ्लाइंग फॉक्स, या चील, या गिद्ध, या लोमड़ी। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। तो जो भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना रेगुलर टाइम शेड्यूल अपना बना लीजिए, उसी पे अपना, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान करिए, और यूट्यूब पे कहीं पे भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 घंटा आप दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप 5 से 6 घंटे ये समझिए आप अपना खुद का सेल्फ स्टडी करिए, एनसीईआरटी पे फोकस करिए, और एक क्वेश्चन बुक ले लीजिए नीट की, वो लगाइए, और आप एक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी एक ले लीजिए, जो मॉडल टेस्ट पेपर मिलते हैं तो वो आप लगाइए, मार्केट में मिलते भी हैं, और आप नीट का अनसॉल्व लगाइए जो, और एनसीईआरटी पढ़िए, इतना काफ़ी है। तो इतना कर लेंगे तो आसानी से सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो और मैं चैनल पे तो काफ़ी इसी से रिलेटेड सब वीडियो भी कराता हूँ, एनसीईआरटी जो नीट में सभी पेपर आए हुए हैं मैं सभी करा दिया हूँ। तो आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, और उसमें पूरा वीडियो है, प्लेलिस्ट वाइज देखिए और इंजॉय करिए, सभी क्वेश्चन नोट डाउन करिए, पेन और आपके जब वीडियो देखें तो पेन और कॉपी दोनों ये समझिए साथ में होना चाहिए, नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो भूलेंगे नहीं, नहीं तो वीडियो अगर देखेंगे सिर्फ वीडियो तो आप खुद देख रहे होंगे कि कितना जल्दी भूल जाता है। मैं भी ये जानता हूँ कि वीडियो देख के सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल क्या नामुमकिन होता है, बट अगर आप नोट भी कर रहे हैं और उसको रिवाइज भी कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, नोट कर लिए, फिर उसके बाद जब मन किया, जब लगा कि भूल रहा है तो रिवाइज कर लिए, तो फिर 100% सिलेक्शन की गारंटी होती है। तो ये चलिए नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।